नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 15 था वो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। हमने हमारी पाठमाला में, हमारी अभ्यास पुस्तिका में और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन आंसर थे वो हमने हमारी सीडब्ल्यू में कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 16 आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा है, बिजली। क्या है? बिजली। बिजली यानी कि क्या, और उसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वो सब कुछ हम इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे घर में सारी जो चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स की लाइट, फैन, फ्रीज, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, सब कुछ क्या है और सब कुछ किससे चलता है? यस, ऑफ कोर्स, किससे चलता है? बिजली से। बिना बिजली के टीवी, फैन, लाइट, फ्रीज कुछ भी चलता नहीं है। सिर्फ एक बार इमेजिनेशन करिए कि अगर बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। एक बार सिर्फ अगर हम लोग जानते हैं कि सर्दी के मौसम होते हैं वो सिर्फ 3 महीने का ही होता है, राइट। ज्यादातर हमेशा क्या होती है, गर्मी ही रहती है, खासकर शहरों में। क्यों? क्योंकि शहरों में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं और कारखाने होते हैं और उसी के कारण गर्मी ज्यादा होती है, राइट। तो सोचिए कि लाइट नहीं होगी, फैन नहीं होंगे। अभी तो सबके घर में एसी भी होते हैं, अगर फैन नहीं होते, लाइट नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता, एक बार सोच के देखिए। बिल्कुल वीरान, जंगल जैसी, राइट। जंगल है बट जंगल में एक भी ट्री नहीं है, एक भी वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो सोचिए वो जंगल कहलाएगा? नहीं, वो क्या कहलाएगा? मरुस्थल, रणभूमि, राइट। उसी तरह हमारा जीवन भी है, वो कैसा है? बिना बिजली के वीरान है। कैसा है? वीरान। बिना बिजली के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम लोग देख नहीं सकते प्रॉपर चीजें, लाइट नहीं होगी तो हम लोग, अगर लाइट थोड़ी देर के लिए भी नहीं होती तो हमारा मन है वो एकदम बिल्कुल हमें चैन नहीं रहता। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार महीने में या हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि बिजली नहीं होती। कुछ इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो हमारे बिजली के वो सब PGBCL वाले, वो सब क्या करते हैं कि कुछ भी ऐसा काम होता है तो उसकी वजह से वो लोग आधे दिन के लिए बिजली नहीं रखते। तो क्या होता है कि हमारे पूरे काम रुक जाते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं हम लोग मशीन में तो वो भी रुक जाते हैं, गर्मी होती है, टीवी नहीं देख पाते, अगर मोबाइल चार्ज किया हुआ नहीं है तो मोबाइल भी हमारा बंद हो जाता है, राइट। तो नो डाउट पूरी बातें सब कुछ मिला के क्या बात निकलती है कि बिना बिजली के हमारा जीवन अब के लिए असंभव है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस सेशन में हम लोग बिजली के बारे में ही ये लेसन रीड करेंगे और क्या है वो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। क्या देखेंगे हम लोग? शब्दार्थ। क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम लोग लेसन में वो शब्द आएंगे तो उसको समझ सकते नहीं है, राइट। सबसे पहला है अचानक। क्या है? अचानक। अचानक यानी कि एकाएक। क्या होगा? एकाएक। फिर है सेल यानी कि घूमना। क्या होगा? घूमना। फिर है अन्य। अन्य यानी कि दूसरे, अन्य लोग, दूसरे लोग। अचानक यानी एकाएक, एकदम से कोई घटना बन जाती तो हम कहते हैं एकाएक ये घटना हो गई, अचानक ये घटना हो गई। तो अचानक यानी कि एकाएक, सेर यानी कि घूमना, सेर करने निकलते ना, घूमने निकलते हैं। फिर है उजाला। उजाला यानी कि प्रकाश, हमें लाइट से उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है। फिर है सावधान। सावधान यानी कि होशियार या तो चौकन्ना, हमें होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, राइट। कोई भी मुसीबत आए तो हमेशा हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। हानि। हानि यानी कि नुकसान। क्या होगा? नुकसान। फिर है लगातार। लगातार यानी कि लंबे समय तक लगातार ये बातें होती रहती है, अभी तक लगातार कोरोना चल रहा है, राइट, लंबे समय तक। फिर है सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि बचाव। क्या होगा? बचाव।
और फिर है सदा, सदा यानी कि हमेशा, राइट। तो ये थे हमारे शब्द अचानक, एकाएक, से घूमना, अन्य, दूसरे, उजाला, प्रकाश, सावधान, होशियार, चौकन्ना, हानि यानी कि नुकसान, लगातार यानी कि लंबे समय तक, और सुरक्षा यानी कि बचाव, और सदा यानी कि हमेशा, राइट। तो ये थे हमारे शब्द। राइट नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। डन। चैप्टर नंबर 16, बिजली। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रीड करना है। ओपन योर पेज बुक नंबर 94 पेज नंबर निकालो और मेरे साथ साथ रीड करना है, राइट। क्योंकि अगर आप लोगों को एक एक लाइन एक एक शब्द समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसके आंसर है वो ठीक से दे सकते नहीं है, राइट। तो सबसे पहले पेज नंबर 94 चैप्टर नंबर 16, बिजली। अचानक सारे घर में अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। दादी जी गुस्से से बोली, अरे बत्ती किसने बुझा दी? दादी जी थी वो एकदम गुस्से में बोली। क्या बोली? कि बत्ती यानी कि लाइट किसने बुझा दी? पिताजी ने उन्हें बताया कि बिजली अपने आप चली गई, किसी ने बुझाई नहीं। उसके पिताजी है वो दादाजी का जो दादी जी का जो लड़का है वो कहता है कि लाइट अपने अपने बिजली है जो अपने आप चली गई है, किसी ने बुझाई नहीं, बुझाई यानी बंद नहीं की है। जब बिजली चली जाती है तो सभी परेशान हो जाते हैं, राइट। जब बिजली चली जाती है तब मैंने आगे कहा कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कोई टॉर्च ढूंढने लगता है तो कोई मोमबत्ती और माचिस खोजने लगता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो सभी टॉर्च ढूंढने लगते। अगर दिन है तो कोई बात नहीं, अगर बस रात हो गई है तो सभी क्या करते हैं, मोमबत्ती खोजने लगते हैं, उसको जलाने के लिए माचिस खोजने लगते हैं, बैटरी खोजने लगते हैं, राइट। टॉर्च यानी बैटरी उनको ढूंढने लगते हैं। सच बिजली के बिना कोई काम नहीं हो पाता, राइट। अभी तो खासकर इस जनरेशन में तो हम लोग बिजली के बिना एक घंटा भी ठीक से रह सकते नहीं है। बच्चों तुम तो जानते हो कि आजकल लगभग सभी काम बिजली से होते हैं, राइट। आप सभी जानते हैं आजकल सारे काम में कहीं न कहीं बिजली की जरूरत रहती है। रेडियो बजता है, बड़ी बड़ी मशीनें और रेलगाड़ियां चलती है। जिस टेलीविजन से लोग मन बहलाते हैं वह भी तो बिजली से ही चलता है, राइट। देखो क्या क्या होता है कि सबसे रेडियो बजता है, अगर हम लोग कोई गाना बजाते हैं तो वो भी उस बिजली से ही बनता है। तो आप कहेंगे तो अभी हम लोग मोबाइल में बजाते हैं तो मोबाइल भी अगर चार्ज नहीं होगा तो हम लोग उसमें भी बजा नहीं सकते। फिर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कारखाने की बात हम लोग करें तो उसमें तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बिजली से ही चलती है। बट इसके अलावा हमारे घर में जो मशीनें होती है जैसे कि वॉशिंग मशीन है, राइट। तो ऐसी कोई मशीनें हैं जो बिजली से ही चलती है, राइट। और खासकर जिस पर हम मनमोहक कार्यक्रम देख सकते हैं, राइट, मन को बहलाने वाले कार्यक्रम यानी कि हमारे मन को आनंद मिलता है, हमारा मनोरंजन होता है, वैसा सब हम लोग देखते हैं, राइट। वो सब कुछ हम लोग कहाँ से देखते हैं? टीवी से है। और वो टेलीविजन से है वो भी किससे चलता है? बिजली से ही। अगर बिजली नहीं होगी तो हम लोग वो देख सकते नहीं है। थोड़ी बिजली तो बैटरी से भी मिलती है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बैटरी आती है एक प्रकार की, उसके अंदर बिजली सेव होती है, राइट। तो उससे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार जहाँ पर हम लोग ठेले वाले होते हैं जो कुछ फास्ट फूड वाले आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसके वहां वो अपने जो खंभा होता है वहां पर हम लोग बिजली के तार नहीं लगाते, बट उसके पास एक छोटी सी बैटरी होती है और उससे वो अपने ठेले के अंदर लाइट लगाते हैं, राइट। आप लोग फास्ट फूड के ठेले पर जब खाना खाने जाते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पास एक बैटरी जैसा होता है और उससे बिजली वो लोग चालू करते हैं, राइट। बिजली तो बैटरी से भी मिलती है। जिन बसों तथा गाड़ियों से तुम सेल करते हो वे सब बैटरी से ही चलती है। दैट मीन्स कि हम लोग जो भी सेल्फ स्टार्ट करते हैं, राइट, हमारे व्हीकल्स में सेल्फ स्टार्ट है, हॉर्न है, राइट, हम लोग हॉर्न बजाते हैं, या तो हमारी जो कार होती है, कार में कहीं पर आप लोगों ने तार लगे हुए नहीं देखे, कार या बस, तो वो सब उसके अंदर भी एक बिजली की एक
बैटरी होती है और उस बैटरी में बिजली होती है और उसी की वजह से कार या बस में लाइट चलती है, हॉर्न बजते हैं, सेल्फ स्टार्ट होता है, तो वो भी एक बैटरी की मदद से ही होता है और उस बैटरी में भी बिजली सेव होती है। राइट, बसों तथा गाड़ियों से तुम सेव करते हो वो सब बैटरी से ही चलती है। राइट, आप कहेंगे कि नहीं वो तो पेट्रोल से चलती है, बट जैसे कि मैंने कहा कि आगे की लाइट है, फिर हॉर्न है, हमारे अंदर जो कार या बस के अंदर जो लाइट से होती है वो सबको लोग बैटरी से चलती है। राइट, उसमें कहीं पर भी खंभा या तार लटकाए जाते नहीं है। जिस फ्रिज से निकलकर तुम ठंडा पानी पीते हो और आइसक्रीम खाते हो वह भी बिजली से ही चलता है। ऑफ कोर्स ये भी हम लोग जानते हैं कि जिस रेफ्रिजरेटर है हमारा उसमें सारी चीजें हैं जो सेफ रहती है, ठंडी रहती है, ठंडा आइसक्रीम हो उसमें रख सकते। अगर सोचिए कि आइसक्रीम फ्रीज नहीं होता, बिजली नहीं होती तो आइसक्रीम होता, आइसक्रीम की जगह क्या होता, रबड़ी होती है ना। तो ये बैटरी बिजली से ही चलता है। बिजली के कारण ही फ्रिज में फल, सब्जियां तथा अन्य खाने की चीजें अधिक दिनों तक ताजी बनी रहती है। देखिए जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोई सब्जी ली है, अगर वो सब्जी हम लोग बाहर ही रखेंगे तो वो एक या कल तक तो वो पूरी खराब हो जाएगी। राइट, अगर हम लोग उसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग एक हफ्ते तक हम लोग उसको फ्रेश रख सकते हैं। राइट, तो सोचिए ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए बात है कि हम लोग कोई भी चीजें उसको सेफ रख सकते हैं। राइट, नाउ गर्मी के दिनों में चलने वाले पंखे, एसी, कूलर भी तो इसी बिजली से चलते हैं। खासकर जैसे कि मैंने कहा कि सर्दी का मौसम तीन महीने ही रहता है, ज्यादातर गर्मी ही रहती है, तो पंखे के बिना हम लोग रह नहीं सकते और खासकर जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो हम लोग एसी कूलर का भी उपयोग करते हैं, तो वो सब में भी बिजली चाहिए। राइट, वो सब में बिना बिजली के चल सकते नहीं है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में भी बिजली से उजाला होता है। अगर ये सोचिए, ये तो सारे नीचे की बातें हैं, पर जो आसमान में जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसके अंदर जो बिजली है उसमें भी ये बैटरी का ही यूज होता है और उसमें भी बिजली से ही उजाला होता है। और पानी के जहाज में भी, दैट मीन्स कि पानी के जहाज में भी अगर पानी का जहाज है, राइट, और उसमें चलने के लिए पेट्रोल या डीजल ही चाहिए तो वो चलता जा रहा है, फिर दिन से रात होगी तो वो रात को क्या करेंगे, उसमें कुछ भी दिखाई देगा नहीं क्योंकि बीच समुद्र में तो कहीं पर भी रोशनी नहीं होती, तो क्या होता है कि उसके अंदर भी लाइट होती है, तो वो सारी लाइट भी किससे चलती है, बिजली से ही। राइट, जैसे कि मैंने कहा कि बैटरी आती है उसके उपयोग से ही सारी लाइट से चलती है। आजकल तो हमारे खिलौने भी छोटे छोटे सेल लगा कर चलते है ना, बिजली बहुत काम की है ना, बिजली बहुत काम की। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो खिलौने हैं, खासकर खिलौने, वो भी सेल से चलते हैं। राइट, सेल वाले खिलौने तो सेल होते हैं ना, उसके अंदर भी बैटरी सेव की होती है। बड़े सेल, छोटे सेल, हमारी घड़ी है तो उसके अंदर जो सेल होते हैं वो सेल भी उसके अंदर बैटरी सेव, बिजली सेव की जाती है और उसी से हमारे खिलौने भी चलते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम हमें हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पर तुम इसे देख नहीं सकते। यस, ऑफकोर्स हम उसको बिजली नाम की कोई चीज को हम लोग देख सकते नहीं है। यस, ऑफकोर्स हमें पता है कि ये लाइट है, पंखे है, वो जो बिजली से ही चलते हैं, बट हम लोग उसको देख सकते नहीं है। देख सकते हैं नहीं, बिजली पता है कि बिजली से चलता है पर हम लोग उसको देख सकते नहीं है। यदि बिजली को छू ले तो इससे झटका लगता है। अगर कोई बिजली वाला तार है अगर उसको हम लोग छू लेंगे तो एक झटका लगता है। यह जितना आराम देती है सावधान न रहने पर उतनी ही हानि भी पहुंचाती है। जितनी फैसिलिटी हमें बिजली देती है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे ही हमें नुकसान भी हो सकता है। राइट, अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे और हमारे खुले तार छोड़ देंगे तो हमें करंट लगता है, लग सकता है, आग लग सकती है। राइट, तो बिजली से हम लोगों ने कई बार ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे कि बिजली से कहीं पर भी बड़ी बड़ी आगे भी लग सकती है। राइट, तो जितना हमें आराम देता है, जितनी हमें फैसिलिटी देता है उससे भी हमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए बिजली के तार को कभी भी छूना नहीं चाहिए, बिजली के बटन को भी बार बार या लगातार नहीं दबाना चाहिए। कभी भी हमें बिजली के बटन को प्लस हम लोग करते ना,
कभी हमारा ऐसा मस्ती आ जाती है कि बंद चालू हम लोग करते हैं, तो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। बिजली के खुले तार को कभी छूना नहीं चाहिए। अपनी तथा घर की सुरक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए, राइट। हमें खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और हमारे घर की भी। अगर हम लोग खुले तार या कुछ भी उल्टा सीधा करते रहेंगे बिजली के साथ, तो फिर उससे कभी भी आग भी लग सकती है और हमारे घर को नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो हमें हमारा खुद का भी ख्याल रखना चाहिए और हमारे घर वाले का और घर का भी ख्याल रखना चाहिए, राइट। हमारे घर का भी ख्याल रखना चाहिए, राइट। हमें बिजली के तार को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बटन्स को बार बार दबाते रहना नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हमें इससे सीखने को क्या मिलता है कि एक तो ये बात कि ये जो बिजली है वो क्या है, एक विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। दैट मीन्स की ये जो साइंस की एक बहुत बेहतरीन खोज है जिसका भरपूर उपयोग हम लोग करते हैं, राइट। बट आप लोग ये भी जानते होंगे कि बिजली चलाते हैं तो उसका बिल भी आता है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए, राइट। हमें वेस्ट में बिजली को वेस्ट करना चाहिए नहीं। अगर हम लोग रूम में है तो हमें दूसरे रूम की लाइट से उसको चालू नहीं रखना चाहिए। कहीं पर भी कोई नहीं बैठा है तो वहां के पंखे या लाइट उसको ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हमें बिजली को व्यस्त करना चाहिए नहीं, राइट। तो बिजली है वो हमारे विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज है, राइट। हमने देखा सुना है कि थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने सबसे पहले हमारा बल्ब है ग्लोब, राइट, जो बल्ब आता है लाइट का, उसकी खोज की थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसने उसके जीवन में कितनी स्ट्रगल करके ये हमें बेहतरीन खोज हमें प्रदान की है। उसने एक नहीं तीन पर 300 बार उन्होंने इस बल्ब की खोज की, तब जाके उन्हें ये महत्वपूर्ण जो बिजली है उसकी प्राप्ति हुई थी, राइट। तो बिजली है उसकी हमें सेव करना चाहिए, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर कोई दूसरे लोग है जो बिजली वेस्ट करते हैं तो उसको भी हमें बोलना चाहिए। घर में भी हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि मम्मी पापा जैसे कि हमें लोग बार बार कहते रहते कि तुम लोग यहाँ पर नहीं हो तो यहाँ के पंखे लाइट बंद करके रखो, राइट। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे घर में बिजली का बचाव भी करें। और खास कर हमें ऐसे अगर आप लोगों को कोई भी हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, राइट, अगर आप लोगों को उसमें कहीं भी खुले तार दिखाई दे तो कभी भी उसको छूना चाहिए नहीं, क्योंकि उसको छुएंगे तो हमें ऑफकोर्स चोट लगेगा, राइट। अगर चोट लगता है, झटका लगता है, अगर हमें कोई दूसरा आदमी हमें छू लेता है तो वो भी उसको भी झटका लग सकता है, राइट। तो खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन्स है, जैसे कि हमने देखा कि बस और कार्स और हवाई जहाज, वैसे ही रेलगाड़ी होते हैं, तो रेलगाड़ी में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि पंखे होते हैं ना, पंखे और बिजली वो सब, तो वो सब के लिए भी अंदर एक बैटरी होती है और उस बैटरी के अंदर भी बिजली होती है, राइट। और खास आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोगों ने विंड फार्म देखा होगा, विंड मिल, राइट, पवन चक्की, गुजराती में शू कहवाय, पवन चक्की। पवन चक्की की शू जाए थे कि गोल गोल फरे थे और वीजड़ी नो एक नीचे बैटरी हो, राइट, जिसकी ऐसी बैटरी आती है, बैटरी એમાં નીચે હોય અને એમાં વીજળી છે એ સેવ થાય છે, રાઈટ, અને એ વીજળીનો પછી આપણે લોકો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। ડન, તો વીજળી અમે કેસે બચાવી ચાહીએ ઉસકે બારે મેં થોડી સી બાતચીત હમ લોગ કરતે હૈ કે બિજલી જૈસે કે મેને કહા કે કહીં પર ભી કોઈ વેસ્ટ કર રહા હૈ તો હમે ઉસકો રોકના ચાહીએ, રાઈટ। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा मोबाइल या टीवी का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें भी बिजली वेस्ट होती है, राइट। तो एक बार सोचिए कि अगर बिजली नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। यस, अगर बिजली नहीं होती तो हमारा जीवन एकदम निराश होता, राइट, है ना, बिल्कुल अंधेरा। एक बार सिर्फ आप लोग एक छोटे से घर में, छोटे से रूम में सारी बिजलियां बंद कर दे, पंखे बंद कर दे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि बिना बिजली के हम लोग रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो न्यू 21st सेंचुरी में है, तो इसमें तो हमने बिजली के बहुत सारे उपकरण देखे हैं। उपकरण यानी कि बिजली से बनी हुई चीजें जिसमें बिजली का उपयोग होता है। तो हम लोग तो देखते हैं कि अभी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है या मोबाइल या कोई भी
कोई भी ऐसी चीजें हैं, आप लोग देखते हैं कि अभी तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो गेम्स भी आती है जो चार्जर लगाने से चलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजली की मदद से अभी हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ एक दिन में ऐसा सोचिए कि एक दिन में भी आप लोग कितनी सारी बिजली है उसका उपयोग करते हैं, या तो कितनी सारी बिजली के उपकरण है, यानी कि ऐसी चीजें हैं उनका उपयोग हम लोग करते हैं। खासकर फ्रीज है, टेलीविजन है, उसका उपयोग हम लोग अभी बहुत करते हैं ना, राइट। बिना बहुत गर्मी होती है तो बिना ठंडा पानी हमें चलता है, ठंडा पानी के पिए बिना हम लोग चलते नहीं है हमारे, राइट। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जैसे कि सबसे पहले मैं आइसक्रीम का एक एग्जांपल दिया था। अगर आइसक्रीम ही सोचिए कि बिजली नहीं होती, फ्रीज जैसा कुछ नहीं होता तो हम लोग आइसक्रीम कैसे खाते, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड से थोड़ी सी ऊपर है कि अगर बिजली नहीं होती तो हमारा जीवन एकदम असंभव होता। कैसा होता? असंभव। बिना बिजली के जीवन जी ही नहीं सकते। खासकर अब तो हमें आदत हो गई है कि बिजली है तो ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। हो गई है ना ऐसी आदत, राइट। बिना बिजली के हम लोग एक दिन भी रह सकते नहीं है। तो इसका कोई भी चीज है और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें उसका बचाव भी करना चाहिए। जैसे कि घर में हमको ऐसी अच्छी चीज लाते हैं तो हम उसे किस संभाल के रखते हैं, राइट। क्योंकि वो हमारे लिए है, हमारे अपने लिए है, तो हम उसका बचाव करते हैं, राइट। उसका हम लोग डिफेंस करते हैं कि ये चलो ये तो मेरी प्रिय चीज है, वो मेरे उपयोग की चीज है। तो वैसे बिजली भी हमारी उपयोग की चीज है, तो हमें उसका भी बचाव करना चाहिए, राइट। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो राइट नाउ यहाँ फर्स्ट ईयर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन में हम उसको क्वेश्चन आंसर देखेंगे, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।